हेलो प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और इसमें हम करेंगे उपन्यासकारों के उपन्यास। इससे पहले 14 वीडियो हो चुकी है इससे रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम करेंगे 18th नंबर पे रमेश चंद्र शाह जी के उपन्यास। ठीक है, तो रमेश चंद्र शाह जी के उपन्यास के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो इनके उपन्यास थे, फर्स्ट है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, आखिरी दिन, पुनर्वास। तो ये इनके उपन्यास है रमेश चंद्र शाह जी के। तो रमेश चंद्र जी शाह जी का पहला उपन्यास है गोबर गणेश, जिसका समय है 1978। नेक्स्ट है किस्सा गुलाम, 1986 का। ठीक है, नेक्स्ट पूर्वापर 1990 का है, और आखिरी दिन 1992 का है। फिर है पुनर्वास, पुनर्वास जो उपन्यास है वो 1995 का है। तो ये सारे उपन्यास थे रमेश चंद्र शाह जी के। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे मेहरुनिसा परवेज। मेहरुनिसा परवेज जी के उपन्यास हैं आँखों की दहलीज, उनका उसका घर, कोरजा, अकेला प्लाश, सम्रांगन, पासंग। तो यह उपन्यास थे मेहरुनिसा परवेज जी के। तो मेहरुनिसा परवेज जी का जो पहला उपन्यास है आँखों की दहलीज, इसका समय है 1969। ठीक है, फिर है उसका घर 1972 का, कोरजा 1977 का, अकेला प्लाश 1981 का, और सम्रांगन 2002 का, पासंग 2005 का। तो ये जैसे सम्रांगन है, पासंग है, अकेला प्लाश है, कोरजा है, इधर किस्सा गुलाम है, गणेश गोबर गणेश है, ये वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। पिछले जो नेट के एग्ज़ाम है या एचटेट का एग्ज़ाम कह सकते हैं, नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए बच्चों आप इसको बड़े ध्यान से करना है कि किस उपन्यासकार के कौन से उपन्यास है, और जो उपन्यास आपने किया है उसको समय के साथ करना है, तभी फ़ायदा है। ठीक है, कि कौन सा उपन्यास किस उपन्यासकार का है और कौन से ईयर का है, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो रमेश चंद्र शाह जी के और मेहरुनिसा परवेज जी के आज हमने उपन्यास किए हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अच्छे से तैयार करना और इसी तरह मेरे साथ बने रहो। आगे हम नेक्स्ट उपन्यासकारों के उपन्यास करेंगे, तो 5-6 वीडियो और बनेगी उपन्यास की, और उपन्यास का जो हमारी विधा है ये फिनिश हो जाएगी, फिर आगे हम और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।